नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और उस टॉपिक का नाम है मार्शमैलो थ्योरी। मार्शमैलो थ्योरी दिया गया था एक बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है प्रोफेसर वाल्टर मिशल। प्रोफेसर वाल्टर मिशल के द्वारा यह थ्योरी दिया गया था 1960 में यह थ्योरी दिया गया था और एक विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे और वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, वर्ल्ड के सेकेंड रैंक यूनिवर्सिटी है। दुनिया में हमारे देश की यूनिवर्सिटी की यदि बात किया जाए तो हमारे देश की यूनिवर्सिटी, हमारी जनसंख्या भले दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश में हम रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वह बहुत अच्छा नहीं है। यदि देखा जाए तो लगभग 100 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में भी हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं है, लेकिन यह मैं बात कर रहा हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो अमेरिका में है। और यह वाल्टर, प्रोफेसर वाल्टर मिशल जो 1916 में यह थ्योरी दिया था, इस थ्योरी में क्या किया गया सो मैं बताता हूँ। वह एक प्रोफेसर थे और वह जो है एक एक्सपेरिमेंट किए, एक प्रयोग किए बच्चों के बीच में। वह क्लास में आए और क्लास में बच्चों का जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष रहा होगा, 10 से 12 वर्ष के का बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, वह क्लास में इन किए और प्रत्येक बच्चे को एक टॉफी दिए, एक चॉकलेट दिए जिस चॉकलेट का नाम था मार्शमैलो। ये थ्योरी का नाम उसी चॉकलेट के नाम पर पड़ा जिसका नाम था मार्शमैलो। मार्शमैलो के नाम पर यह थ्योरी पड़ा और सभी बच्चे को वह चॉकलेट दिया गया और उनसे कहा गया सभी बच्चों से कि यह चॉकलेट तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें 10 मिनट तक इस चॉकलेट को अपने पास रखना है और मैं क्लास से बाहर जा रहा हूं, मैं 10 मिनट के बाद पुनः क्लास में उपस्थित होऊंगा और जो बच्चा चॉकलेट को अपने पास रखा रहेगा उसे 10 मिनट के बाद एक और चॉकलेट दिया जाएगा। सभी बच्चों को बांट दिया गया और वह क्लास से बाहर चले गए। सभी बच्चों को समझा दिया गया कि चॉकलेट को खाना नहीं है, अपने पास रखना है। क्योंकि उस समय का सबसे जो फेमस चॉकलेट था वह चॉकलेट का नाम था मार्शमैलो, जिसका दीवाना था बच्चा, जिसका दीवाना था, इसके नाम से ही बच्चे के मुंह में पानी आ जाता था, ऐसा चॉकलेट था वो। तो जैसे ही वह क्लास से बाहर निकले, अब वो सभी बच्चों में अलग अलग प्रतिक्रिया देखते हैं। क्या प्रतिक्रिया देखते हैं? लगभग किसी किसी जगह मैंने पढ़ा है कि 100 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, किसी किसी जगह मैंने यह भी सुना कि 50 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। खैर, एक्सपेरिमेंट 50 पे किया गया हो या 100 पे किया गया हो मतलब इसका नहीं है, मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यहां पर भी हमको चूंकि समझने के दृष्टिकोण से मैं 100 बच्चे की ही का ही यहां पर लिखा हूं, 100 बच्चे पर यह प्रयोग किया गया जिसमें देखा कि गया प्रयोग में जब 10 मिनट के बाद जब वो आए वापस और वो जब वॉच किया गया अंदर के क्लासरूम में 10 मिनट की एक्टिविटीज को, तो लगभग 7 से 8% बच्चे जो है जैसे ही वो टीचर बाहर गए वो झट से उसको क्या किया, खा लिया। क्योंकि जैसे ही टीचर गए दाएं बाएं देखा, चूंकि इतना मतलब बेहतरीन वो टेस्टी टॉफी था, बच्चे को पेशेंस इतना धैर्य नहीं रह पाया, पेशेंस इतना उसके पास नहीं था और वह तुरंत क्या किए, खा लिया। ये था 7 से 8% बच्चों का जो मैंने लिखा है यहां पर, 7 से 8% बच्चों ने ईट क्विकली, तुरंत खा गया उसको, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे को जो वॉच किया जा रहा है, कुछ बच्चा क्या कर रहा है, उस टॉफी को देख रहा है गौर से, उसका मुंह में पानी आ रहा है, मुंह लपलपा रहा है ना। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, उसको चाट भी रहे थे, चाटते थे या रख देते थे है ना। अब वो सोचते थे कि जो खाएं या ना खाएं, खाएं या ना खाएं, और काफी सोच समझ के बाद, काफी उधेड़ बुन के बाद वो क्या किया, उसको खा ली। कुछ बच्चा आधा खाए, कुछ पूरा खा गए, मतलब लगभग लगभग 80 से 82% बच्चा थिंक वेदर इट और नॉट, वो सोचे कि इसको खाएं या ना खाएं, खाएं या ना खाएं, और अंततः वह भी उसे खा गए। कुछ बच्चा थोड़ा बहुत बचा के रखा, जब टीचर क्लास में बाहर 10 मिनट के बाद आए तो कुछ बच्चा का कुछ पार्ट उसका चाटते चाटते कुछ पार्ट बचा हुआ, कुछ खाते खाते कुछ पार्ट बचा। लगभग 80 से 82% बच्चा जो है सो उसको पहले सोचे
खाएं कि नहीं खाएं, और फिर थोड़ा धीरे धीरे करके करके कुछ 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 खा लिए, और बाद में फिर तो खा भी लिए। और 10 से 11% बच्चे ने डिड नॉट ईट, वह बिल्कुल सामने में रखा रहा और नहीं खाया। वह सामने में रखा रहा और टीचर ने कहा है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बिल्कुल अपने पेशेंस को, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। देखिए वो प्रोफेसर ने क्या बताना चाहा और यह थ्योरी हमें क्या बताती है। 10 मिनट तक वो अपने आप को बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल करके रखा, और इसके बाद जो है सो क्लास खत्म हो गई। बच्चों को जो बच्चा बिल्कुल नहीं खाया था उसको एक मार्शमेलो और दिया गया, चूंकि ऐसा कहा गया था कि जो बिल्कुल नहीं खाएगा उसको एक और मिलेगा, उसको और मिला। जिसको जो तुरंत खा लिया उसे एक पर ही संतोष करना पड़ा, और जो पेशेंस रखा, धैर्य रखा, उसको दो मिला। अब ये घटना और सारे बच्चे का पूरा बायोडाटा उसका नोट कर लिया गया कि यह बच्चा कहाँ का है, उसके माता पिता कौन है, उसका एड्रेस क्या है। और लगभग ये मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1916 में, 1960 में, अब ठीक 30 वर्ष के बाद 1990 में, 1990 में उन सारे बच्चे, जिस बच्चे को क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन सारे बच्चे की खोज खबर की गई कि वो बच्चा अभी है कहां, अपने जिंदगी के किस मुकाम पर है। तो जब देखा गया, ये रिसर्च है, मैं ऐसा ही कि अपने मन से कुछ बात नहीं कर रहा हूं, यह थ्योरी है और इस थ्योरी को आप भी पढ़ सकते हैं, किताबों में इसकी चर्चा है। तो 30 वर्ष के बाद जब उस बच्चे को खोज खबर की गई तो ऐसा पाया गया कि 7 से 8% बच्चा जो कि जिसके पास पेशेंस नाम की चीज नहीं थी, तुरंत उस चीज को खा गया, उसकी स्थिति जो है बद से बदतर स्थिति थी। वह बच्चा अपनी जिंदगी में जो है सो काफी माइजरेबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। वह कहीं पर भीख मांगने की स्थिति में थी, कोई चोरी कर रहा था, कोई डकैती कर रहा था, कोई ऐसे क्रिमिनल केस में जेल में बंद था, यानी कि उसकी स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति बहुत ही उथल पुथल थी, बहुत ही बद से बदतर स्थिति से वह गुजर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूं 80 से 82% लोग जो थे उसकी जिंदगी एवरेज जिंदगी जी रही थी, एवरेज जिंदगी वो जी रहे थे, मतलब किसी तरह से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे थे, किसी तरह से अपनी जरूरतों की पूर्ति कर पा रहे थे और सामान्य जिंदगी जी रहे थे, है ना। यह स्थिति किसकी, 80 से 82% लोगों की स्थिति थी और वह बिल्कुल एवरेज लाइफ जी रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूं 10 से 11% लोग जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया था, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ 10 मिनट तक इंतजार किया था और उसको इनाम में फिर दोबारा मार्शमेलो मिला था, उसका जब लाइफ हिस्ट्री देखा गया तो पाया गया कि वह एक सक्सेसफुल जीवन जी रहा है और जिस क्षेत्र में वह है उस क्षेत्र की बुलंदी पर वह राज कर रहा है, समाज में उसके पास सम्मान है, प्रतिष्ठा है, समृद्धि है और समाज के लोग का आइकॉन बना हुआ है। तो यह जो थ्योरी है, यह जो सिद्धांत है, वह बताता है, यह जो है सो सेल्फ कंट्रोल टेस्ट था कि अपने आप को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो अपने आप को कंट्रोल करना जान गया वह जिंदगी में बहुत सारी ऐसी ऐसा समय आता है जिस समय आपको डिसीजन लेना होता है और आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं जिसका कि बहुत बुरा परिणाम होता है। तो यह जो था वह सेल्फ कंट्रोल टेस्ट था, यह सेल्फ डिसीजन और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म नियंत्रण, आत्म संयम का यह टेस्ट था। और इस थ्योरी हमें यह बताता है, कंक्लूजन में मैंने लिखा है लास्ट में, कि सेल्फ कंट्रोल इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं, यदि अपने आप को आप कंट्रोल कर पाते हैं, यदि यह टेक्निक आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज क्या है, लोग के पास अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, लोग कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा, सामने वाले के द्वारा। सामने वाला दो बात बोल दिया, गुस्सा गए, सामने वाला कुछ बोल दिया, रोने लगे, मतलब अपना सारा रिमोट कंट्रोल किसको दे दिए हैं, सामने वाले के हाथ में। लेकिन होना क्या चाहिए, आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। हम को जब इच्छा होगा तो हम हंसेंगे, जब इच्छा होगा तो हम अपना क्रियाकलाप करेंगे, लेकिन नहीं, सामने वाले के द्वारा किए गए क्रियाकलाप से हम प्रभावित होते हैं, यह हमें गलत रास्ते की ओर जाता है और हमें सफलता में वह बाधक है। तो इस सिद्धांत को हम लोगों ने देखा,
यह थ्योरी यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।